नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी वजह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की उसके अंदर कुछ गलतियां कर दी हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बेसिकली जो लास्ट डेट होती है वो जा चुकी है। ऐसे में जो एक ऑप्शन आता है अपडेटेड रिटर्न का, अपडेटेड रिटर्न के जरिए जो रिटर्न आपने फाइल नहीं की है उसके जरिए आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या फिर आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर गलतियां कर दी है उन गलतियों को आप ठीक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई है जो ऑलरेडी हम अपनी ऑल अबाउट ITRU अपडेटेड रिटर्न के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये वीडियो बेसिकली यह बताने के लिए है कि जिन लोगों ने भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 दैट इज असेसमेंट ईयर 2021-22 के रिगार्डिंग अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर उसके अंदर कोई गलती कर दी है, कोई इनकम आपने कम डिक्लेयर कर दी है, तो ऐसे में एक लास्ट चांस आपके पास बचता है 31 मार्च 2024 तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। हालांकि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर आपको 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेट फीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप अपनी ITRU फाइल कर पाएंगे। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी किसी भी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपनी जो है रिटर्न फाइल नहीं की है या रिटर्न के अंदर कोई गलती कर दी है, इनकम को कम डिक्लेयर किया है, तो ऐसे में एक लास्ट चांस जो है वो 31 मार्च 2024 का यहां पर दिया गया है। इसके बाद आप जो है ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 2021-22। उसके अलावा यहां पर एक और चांस आपके पास है कि आपकी जो पेनल्टी है बेसिकली जिसे आप एडिशनल इनकम टैक्स कहते हैं ITRU के लिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए दैट इज असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अगर आप अपनी ITRU 31 मार्च 2024 तक फाइल कर देंगे तो आपको जो एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा वो 25% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो पेमेंट की वो जो आपने जो रिटर्न फाइल की वो की 31 मार्च 2024 के बाद, तो ऐसे में आपको 50% जो है आपको जो है एडिशनल टैक्स पे करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 दैट इज असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहां पर एक लास्ट चांस है आपके पास की जो आपकी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है जो आपकी 25% होगी और जैसे ही 31 मार्च 2024 क्रॉस हो जाएगा आपको 50% जो है एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिन भी लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर गलत फाइल कर दी है, इनकम को कम डिक्लेयर किया है और चाहते हैं कि 25% तक एडिशनल टैक्स पे करने के बाद जो है उनकी रिटर्न फाइल हो जाए, तो ऐसे में 31-3-24 तक वो लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अगर वो 50% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं तो वो 31 मार्च 2026 तक जो है अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के रिगार्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो लोग भी जो है यहाँ पर ITRU के जरिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर इनकम को कम डिक्लेयर किया है, तो ऐसे में वो ITRU के जरिए अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अपनी पे कर सकते हैं। तो ऐसे में अगेन यहाँ पर जो है अगर वो 31 मार्च 2025 तक अपनी जो इनकम डिक्लेयर करेंगे तो ऐसे में 25% की जो है यहाँ पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी और अगर 31 मार्च 2025 के बाद पे करेंगे तो यहाँ पर जो है 50% 50% की जो है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, वो लोग जो है 2020-21 के रिगार्डिंग अपनी ITRU 31 मार्च 2021 से पहले 2024 से पहले फाइल कर दे, और जिन लोगों ने भी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और चाहते हैं 25% के साथ वो अपनी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे कर दे तो वो लोग भी जो है 31 मार्च 2024 तक अपनी ITRU फाइल कर ले, अदरवाइज 31 मार्च 2024 के बाद जो है उन्हें 50% की एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे करनी होगी। तो इसके रिगार्डिंग ध्यान रखें, अगर आप
विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक अपनी ITRU फाइल कर देंगे तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड लेट फाइलिंग फीस। और अगर आपने 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो है अपनी ITRU फाइल की है तो ऐसे में आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस। तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 जो है एक इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्डिंग रिटर्न फाइल नहीं की है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के रिगार्डिंग रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर कम इनकम डिक्लेयर की है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ये एक रिमाइंडर वीडियो है, जिन लोगों ने भी जो है गलतियां की है वो गलतियों को सुधार सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। और अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट, सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC एंड EPF, तो ऐसे में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। ऑल अबाउट टैक्सेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। इसके अलावा डेली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के जरिए बहुत सारी यूजफुल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।